Hello guys, welcome back to my channel. This is Jenny and you're watching Fantastic Videos. First of all, I wanted to say sorry for uploading a vlog so late. Like पूरा एक महीने का gap हो गया, but I'll make sure कि मैं every week at least एक video जरूर जरूर डालूंगी. And now let me start with my video. I made tiramisu at home with a twist and I wanted to share it with you guys. New Year के लिए मैंने ये recipe बनाया. Now I'll show you how I made it. And at the end we'll do a taste test. Obviously Baba will be doing the taste test. So watch this video till the end. So now let's get into the video. So here are the ingredients I'm using to make the tiramisu. I'm using a whipping cream powder and then a coffee. Mascarpone cheese is very important, vanilla essence and icing sugar. सबसे पहले मैं पाउडर के साथ व्हिपिंग क्रीम बना रही हूँ. लाइक वी आर यूजिंग द व्हिपिंग क्रीम पाउडर एंड विल मिक्स इट विद सम कोल्ड वाटर टू मेक अ व्हिपिंग क्रीम. यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग. हमें ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए एकदम क्रीमी सा, तो दो तीन मिनट के लिए मैंने ब्लेंडर से विप किया. नाउ आई एम यूजिंग मास्कारपोन चीज़. हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे. ये कुछ मैंने 150 ग्राम का डब्बा ले लिया था एंड विल सबसे मेन इंग्रीडियंट है ये. हम लोग इसको बोल में ट्रांसफ़र करेंगे अच्छे से एंड आई विल पुट वैनिला एसेंस इन इट. थोड़ा दो चम्मच भी ठीक रहेगा. देन आई एम पुटिंग सम आइसिंग शुगर. आई थिंक मैंने एक कप कुछ लिया होगा यहाँ पर. एंड देन आई विल मिक्स इट नाइसली. एकदम क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए हमें. लुक एट दिस. एक दो मिनट के लिए मैं जैसे बीट कर रही हूँ. होप यहाँ पे गिर गया. बट आई एम मिक्सिंग इट अगेन एंड अगेन मैं ब्लेंड करूँगी एकदम अच्छे से. फिर हमें इसमें डालना है हमारा व्हिपिंग क्रीम का वो जो व्हिपिंग क्रीम हमने बनाया था. आई एम मिक्सिंग इट हियर इन दिस मास्कारपोन मिक्सचर. एंड मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. सो क्रीमी. इसका टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल. ये हमारा मिक्सचर रेडी है. नाउ वी विल मेक द मेन पार्ट विच इज़ द लेडी फिंगर फिलिंग. इसके लिए मैं कॉफ़ी पाउडर एंड वाटर लेके एक्सप्रेसो बनाऊंगी. हमें इसमें नाउ डिप करना है हमारे टोस्ट. तो हम नॉर्मली एक लेडी फिंगर कहते हैं वो यूज़ करते हैं. बट आई एम यूजिंग दिस टोस्ट हियर फॉर द वन लेयर. तो हम इसको अच्छे से एक्सप्रेसो में डिप करेंगे टोस्ट को एंड विल क्रिएट वन लेयर इन दिस डब्बा. मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने ये डब्बा यूज़ किया है. कैन यूज़ एनी डिफरेंट बॉक्स और समथिंग. तो ये मेरा फर्स्ट लेयर तैयार है. देन आई एम पुटिंग माई सेकेंड लेयर विद दिस मास्कारपोन मिक्सचर. इनका ये मिक्सचर हम लगा लेंगे. देन अगेन सेकेंड लेयर थर्ड लेयर वापस हमारा ये टोस्ट का फिलिंग होगा. एंड देन दिस वन. इससे करते करते हम दो चार लेयर बना सकते हैं. मैंने फिर से एक टोस्ट एंड क्रीम का लेयर बना दिया एंड दिस इज़ रेडी. नाउ आई एम यूजिंग दिस कोको पाउडर एंड डस्टिंग इट एज अ लास्ट लेयर. तो मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको फिल इन कर दूँगी एंड इट्स रेडी. लुक्स लाइक दिस. लेयर्स भी दिख रहे हैं हमारे थोड़े थोड़े. एंड मैं इसको बंद करके मैं फ्रिज में रख दूंगी. हमें नॉर्मली 3 से 4 घंटे इसको फ्रिज में. गाइस हियर इज हाउ माय तिरामिसु एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये लेयर्स थोड़े थोड़े दिख रहे हैं एंड सी दिस. इट स्मेल्स सो 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 नाइस एंड आई कांट वेट टू सी बाबाज रिएक्शन एंड लेट मी नो हाउ इट टेस्ट. And now let's go to Baba. So please welcome Baba. Come on. Hello guys, I'm back. Yes, and now he saw the tiramisu. कैसा लग रहा है दिखने में? दिखने में तो अच्छा लग रहा है. Hope so. Taste भी अच्छा ही रहेगा. मीठा सबको अच्छा ही लगता है यार. तो taste करो. Wait. Let me show this. हाँ. अरे पूरा लेयर्स लो ना. आया क्या कॉफी का? अच्छा है. नाइस. स्वीट अच्छा है. मस्त है.
लग रहा है। टेस्टी ओके गाइस, प्लीज ऑर्डर करो, मैं सच में यम्मी, बहुत अच्छा बनाया। एक्चुअल में अच्छा बना है। सेकेंड टाइम है ये, फर्स्ट टाइम मेरा कुछ थोड़ा अलग बना था, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो ना और खिलाओ ना। पहले सही है, गुड। मैं सोचता हूँ कि अगर अच्छा बना तो हम ही खाएंगे, और अगर अच्छा नहीं बना तो मैं बांट दूंगी। सक्सेसफुल ये टीराम सो बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया, एंड आई होप यू ऑल्सो ट्राई इट। इफ यू ट्राई लेट मी नो कि कैसा बना। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर। गाइस ये लीजिए लास्ट बाइट मेरे तरफ से आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर।